Good morning, class 5th. How are you all? I hope you all are fine. So, class, this is your Hindi period. Take out your Hindi language notebook. Now, class, open your notebook and put today's date. Today is 3rd November 2020. Now, write down class work. Now write down the name of the chapter, part, kriya, or kal. Now write down question. खाली स्थान भरो. फर्स्ट सेंटेंस काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द डैश कहलाते हैं. काम के करने या होने के बारे में बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? क्रिया. राइट डाउन क्रिया. सेकेंड इज क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे डैश कहते हैं. क्रिया के जिस रूप से उसके समय का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं. क्रिया के डैश प्रकार होते हैं. क्रिया के कितने प्रकार होते हैं? दो. राइट डाउन दो.
Fourth sentence is कार के डैश भेद होते हैं। कार के कितने भेद होते हैं? दो, तीन, सॉरी, कार के कितने भेद होते हैं? तीन। वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। लास्ट सेंटेंस इज डैश के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। किसके बिना वाक्य पूरा नहीं होता? क्रिया के। क्रिया के बिना वाक्य पूरा नहीं होता। कंप्लीट योर वर्क फास्ट। सॉरी, ब्लैंक हमें वाक्य में लगाना है। क्रिया के बिना डैश पूरा नहीं होता। क्रिया के बिना क्या पूरा नहीं होता? वाक्य पूरा नहीं होता। I hope you have completed your work. Okay, children, so that's all for today. Bye-bye, take care.